आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के बारे में, और क्या क्रिप्टो मार्केट आने वाले टाइम में क्या डंप होने वाली है, और क्या जो मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अगर आप देखें कल तक मार्केट की सिचुएशन एक बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई थी। बिटकॉइन ने $45,000 का लेवल दिखा दिया, और कल रात से ही मार्केट की अगर आप सिचुएशन देखेंगे, कल रात को भी हमने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर कहा था कि क्रिप्टो मार्केट डंप में भी जा सकता है। क्यों जा सकता है? कल जो चीज़ें हुई हैं, कल जो है फाइनेंस बिल को पास कर दिया गया और क्रिप्टो के ऊपर 30% का टैक्स जो है लगा दिया गया और 1% TDS, जी हाँ, जो कि जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से आप जो भी क्रिप्टो से इनकम करोगे, जो भी प्रॉफिट अर्न करोगे, उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। ये सब चीज़ें आपको पता चल गई हैं, लेकिन यहां पे अब क्या होगा, इसके रिएक्शंस भी मार्केट के अंदर हमको देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ दिन के अंदर, ठीक है। और रिएक्शंस आपको डंप में ही देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग अपनी ट्रेड्स को क्लोज करेंगे, बहुत सारे लोग अपना जो मनी है उसको यहां पे विड्रॉ भी करेंगे। उनको यहां पे पूरा लेके चलना पड़ेगा कि कितने कॉइन्स रखने हैं, कितने टाइम तक रखने हैं, कौन कौन से कॉइन्स रखने हैं, जितना प्रॉफिट उन्होंने अभी तक अर्न किया है वो सब प्रॉफिट निकालना है, कितना निकालना है। तो कहीं ना कहीं एक विड्रॉ वाला जो सिलसिला है, विड्रोवल वाला, वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग विड्रॉ भी करेंगे और ये सब चीज़ें 1 अप्रैल से पहले ही होंगी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। और जिस तरह से विड्रॉ होगा, लोग कॉइन्स को सेल करेंगे, कौन से कॉइन्स रखने हैं, कितने टाइम तक रखने हैं, एक उनको यहाँ पे पूरा सिनेरियो लेके चलना पड़ेगा। और सब चीज़ें आपको इन 4-5 दिन में ही होती दिखेंगी। मतलब ये जो 4-5 दिन है, जो मार्च के जो जितने दिन बचे हैं, इस मार्च के बाकी दिन में आपको क्रिप्टो मार्केट एक डंप भी दिखा सकता है। लेकिन आपको इससे पैनिक नहीं होना है, ये डंप फिर से रिकवर हो जाएगा। ये डंप इसलिए आ रहा है क्योंकि जो टैक्स रूल्स एप्लीकेबल होने वाले हैं उसको लेके यहाँ पे लोगों ने जो तैयारी करनी है, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर ने तैयारी करनी है, ट्रेडर्स ने तैयारी करनी है कि हमको किस तरह से ट्रेड करनी है, किस तरह से हमको 1 अप्रैल के बाद अपना यहाँ पे करना है, उस तरह से सब चीज़ें मैनेज करेंगे पहले ही। और एक विड्रोवल भी स्टार्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कॉइन्स को सेल भी करेंगे, इसलिए आपको क्रिप्टो मार्केट डंप जाती हुई दिख सकती है, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये है। इसके बाद 30% टैक्स लग चुका है, 1% TDS भी जुलाई से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके रिएक्शंस आपको अप्रैल के बाद देखने को मिलेंगे। एक GST का भी सिनेरियो है जो निकल के आ रहा है, और जो बाद में क्लैरिफिकेशन आएगा GST के ऊपर, वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है GST के ऊपर, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे अगर आप 1 अप्रैल के बाद कोई प्रॉफिट बनाते हो क्रिप्टो मार्केट से, ट्रेड करना तो कहीं ना कहीं मुश्किल ही हो जाएगा। और ट्रेड करके भी अगर आप प्रॉफिट बना लेते हो, आपको लग रहा है कि मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया है ट्रेड करके, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और 30% टैक्स उस प्रॉफिट में से आप पे करके बाकी 70% अपना जो है विड्रॉ कर सकते हो। मतलब 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है किसी कॉइन के, आपके पास कॉइन्स हैं, आप उनको सेल मत कीजिए। सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है, सेलिंग करनी ही नहीं है, ठीक है। लॉस में आप अगर सेल भी करोगे, ठीक है, आपको टैक्स नहीं देना है लॉस में, लेकिन यहाँ पे लॉस में सेल करने का मतलब ही क्या है? जितने ट्रांजेक्शन्स अगर आप करोगे उन पर TDS भी लगते जाएंगे, एक ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। तो ट्रांजैक्शन भी आप सोच समझ के करिएगा, जो चीज़ जुलाई से लागू होने वाली है, और टैक्स तो आपको देना होगा अगर आप प्रॉफिट बुक। तो जितने भी स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए टैक्स रूल्स जो है कहीं ना कहीं स्मॉल ट्रेडर के लिए ठीक नहीं है। और हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया है, रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स कैंपेन का चलने का मतलब ही यही था कि एक रीजनेबल टैक्स लगाया जाए। यहाँ पे टैक्स को ख़त्म करने की बात नहीं की, क्रिप्टो कम्युनिटी ने यहाँ पे जो डिमांड की थी टैक्स को ख़त्म करने के लिए नहीं की थी। टैक्स सभी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक रीजनेबल टैक्स लगाया जाए जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, और यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे जिनके लिए 30% टैक्स एक हैवी टैक्स है, और कहीं ना कहीं वो लोग अब ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड कर ही नहीं सकते 1 अप्रैल के बाद। ट्रेड भी अगर आपको करना है तो सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ही सिनेरियो है लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। और इसके बाद फ्यूचर में कभी ये टैक्स रूल्स जो एप्लीकेबल होने वाले हैं, इसमें से कुछ रिड्यूस टैक्स किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या कुछ रीजनेबल टैक्स लगाए जाएंगे फ्यूचर में या नहीं लगाए जाएंगे, वो सब चीज़ें टाइम बताएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल
क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी आ चुकी है, कल फाइनेंस बिल पास हो चुका है, 1 अप्रैल से ये चीज़ें लागू होने वाली हैं। और थोड़ा सा पैनिक का माहौल जो है हमको इन 4-5 दिन में देखने को मिल सकता है कि मार्केट भी डाउन जा सकती है। यही कुछ अपडेट्स थे मार्केट को लेके, टैक्स को लेके। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।